कीड़ा निकले छौ? सात दिन नहीं निकलता। सात दिन में एक दिन निकल गया। तीन दिन लाता हम मेरे में निकला। तीन दिन बच्चा सब बोल रही है। देखिए ये छोटा बच्चा है, ये झूठ नहीं बोल सकता और ना ही इसको सिखाया गया, समझे? कि छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। तो आज के बाद से आप लोग चावल साफ करके फ्रेश खाना बनाइएगा। फ्रेश बनते ना, कोनो शिकायत ना ना रहते। खाना में दूसरा पढ़ाई होता है स्कूल में? कभी कभी बच्चा आता है, कभी नहीं आता है। बच्चा कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। रेगुलर काहे नहीं भेजते हैं स्कूल बच्चा को? अब आते हैं। अब आते हैं। हाँ। बच्चा को ड्रेस वगैरह सब मिला है? अभी नहीं मिला ड्रेस, कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ। कितने दिन से पढ़ रहा है? दो साल से पढ़ रहा है। दो साल से। हाँ। लेकिन आज तक ड्रेस नहीं मिला है? ना, बोले हैं तो बोला कि आप बोलो पैसा मिलेगा तब दीजिए, ना तो अपने पैसा से खरीद दीजिए। अपने पैसा से खरीदिए। पैसा तो हम चार गो बच्चा का अपना पैसा का ड्रेस से बना। स्कूल के तरफ से ड्रेस नहीं मिलता? नहीं, 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 पैसा नहीं, ड्रेस मिलता। आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में? पढ़ता है पांचवा क्लास में, एगो पहला दूसरा में पढ़ता है। एक पांचवा में पढ़ता है, एक पहला दूसरा में। कितने दिन, कितने कितने दिन से पढ़ रहा है? तीन चार साल से पढ़ता है। तीन चार साल से। लेकिन आज तक ड्रेस नहीं मिला? नहीं मिला, ना पैसा मिला ना ड्रेस मिलता है। यानी कोई भी जो है मतलब सरकारी योजना जो बच्चा के पढ़ाई के लिए मिलता है वो नहीं मिला? नहीं, नहीं देता। अब बकवासा कहिए है? आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? हमको बच्चा भी पढ़ता है। क्या आपके बच्चे को ड्रेस व्रेस मिला है? ना। कौन से क्लास में पढ़ता है बच्चा? छोटका क्लास में, एगो नौमा में है। एगो नौमा में, आठवा में है, सब बच्चा मिलते। आज तक कोई योजना का लाभ नहीं मिला? ड्रेस का भी नहीं? हम ना दिए रहिए ना, हम आधार कार्ड ना दिए रहिए, हमरा लगाओ ना तभी ना देल के हम ना रहिए दिए ना। हम एक बात ना, हम सुन दिए रहते तब ना हमरा दीते। आपका भी बच्चा पढ़ता है स्कूल में? कौन से क्लास में? दसवां में गया। तो क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? पढ़ाई होता है लेकिन उतना पढ़ाई भी नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को कहता है जो हर चीज मिलता है लेकिन कुछ नहीं। दसवां में पहला से दसवां तक चला गया लेकिन एक भी रुपया नहीं मिला। तो सरकारी योजना जो भी स्कूल में आता है वो किसी भी बच्चा को नहीं मिलता? नहीं मिलता, जिसको मिलता है लेकिन मेरे बच्चा को नहीं मिला। नहीं तो यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं सब बता रहे हैं कि कुछ आज तक मिला ही नहीं है। या ये भी बच्चा है, ये भी मेरा है, इसको भी नहीं मिला। तीन लोग। क्या नाम है बुआ? अजीत कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स में। ड्रेस मिला है स्कूल की तरफ से? नहीं मिला है। अच्छा खाना मिलता है, खाना बनता है स्कूल में? क्या क्या बनता है खाना में? कभी कभी पिल्लू रख के बना देते हैं। क्या 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 क्या? दाल भात सब्जी सब बनाते हैं। खाना में पिलुआ रहता है? जी। कभी रहा मिला है? जी, हम मेरे में कई बार निकल गया है। कई बार पिल्लू निकला है? जी हाँ। क्या खिलाता है आपको खाना में? दाल भात सब्जी। रोज दाल भात सब्जी ही? कुछ दिन भी सब्जी भात दाल भात सब्जी। दूध मिलता है? दूध मिलता है स्कूल में? अंडा? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। सब्जी किस चीज का रहता है? सब्जी आलू परवल की, आलू भिंडी की, आलू कद्दू की। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में। ड्रेस मिला है आपको? ड्रेस नहीं मिला। ड्रेस नहीं मिला है। कौन से क्लास में है आपका लड़की? सातवां में है। क्या नाम हुआ बुआ? आज तक नहीं कुछ मिला। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सात में। ड्रेस मिला है आपको? नहीं मिला है। कोई भी योजना सरकारी योजना जो है स्कूल में जो बच्चों को दिया जाता है वो नहीं मिला? कभी भी नहीं मिला। खाना बनता है? खाते हैं खाना आप लोग? क्यों नहीं खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है, बोलिए। पिलुआ निकलता है खाना में, यानी खाना जो है फ्रेश नहीं रहता है। फ्रेश खाना नहीं रहता। क्या क्या बनता है हफ्ता में जो है? छः दिन खाना बदल बदल के खिलाता है कि एक ही खाना खिलाता है? बदल 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 के। दूध मिलता है? नहीं। अंडा? नहीं। कुछ भी नहीं। केला वगैरह फल फ्रूट कुछ भी नहीं? कभी 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 जुम्मा को मिलता है। कभी कभी मिलता है? कौन से दिन को मिलता है? शुक्रवार को। क्या चीज मिलता है? केला। कितना केला मिलता है? एक केला जी। अंडा वगैरह? दूध? नहीं। ड्रेस भी आज तक नहीं मिला है? नहीं। ड्रेस का पैसा आता है? हम लोग के अभी तो आपको आया है पैसा ड्रेस का? तक तो पढ़ नहीं, नहीं आया है। मेरे भाई के भी नहीं आता है। क्या नाम हुआ बुआ? सिप्तान राजा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा। ड्रेस मिला है स्कूल की तरफ से? नहीं। खाना वगैरह मिलता है बराबर?
तो आप देख सकते हैं ये जजुआर पश्चिमी पंचायत का बगवासा में ये स्कूल है और इस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं ये सीधा आरोप शिक्षक पर लगा रहे हैं कि इनको आज तक ना तो ड्रेस का पैसा मिला है और ना खाना जो एमडीएम का खाना मिलता है उसमें भी पिलुआ वगैरह रहता है इसलिए बच्चे खाना नहीं खाते हैं, है ना बुआ जी। आंगनबाड़ी में चॉकलेट खाली बोले हैं देने के लिए देता आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी भी है यहाँ पर खाली बच्चा को तबियत खराब आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका कौन है? सेविका ये क्या है? अच्छा अच्छा महेश का पत्नी। तो यहाँ पर भी जो है मतलब कुछ आज बोले हैं जी जी बच्चा को चॉकलेट खाली देती है सिर्फ चॉकलेट खाली सिर्फ चॉकलेट बच्चा को बार बार तबियत खराब होता है। पढ़ाई लिखाई के लिए तो बच्चा को यहाँ पर जो है कॉपी पेंसिल पेन सब देने के लिए है तो देखते कुछ नहीं सिर्फ दे देता है दोनों बैठी रहती है यानी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता नहीं, खाली चॉकलेट चॉकलेट बच्चा बोला सरकार कितना दिन से इसमें ताला बंद है अभी यह बंद हुआ है बीच में है इसके नहीं बंद हुआ किसी का भी पत्नी रहे कोई भी काम करे काम स्वच्छ से होना चाहिए पढ़ाई होना चाहिए बच्चा के साथ में जो है गांव का भविष्य जुड़ा हुआ है और उस भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं बच्चा का पढ़ाई अच्छा होना चाहिए जो सरकार के तरफ से जो लाभ मिलता है वो मिलना चाहिए खाना अच्छा मिलना चाहिए खाना अच्छा नहीं बनता इसलिए बच्चा सब नहीं खाता घर जाके बच्चा सब खाना खाता। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उनका आरोप है कि यहाँ पे खाना बनता है लेकिन खाना उस प्रकार का बनता है कि बच्चा उसे खा नहीं पाता है और अपने घर जाके खाना खाते हैं। अच्छा खाना नहीं है। अच्छा आज मीटिंग हुआ है तो आप लोग मीटिंग में शामिल होने आए थे? सर जी बुलाए थे कि जा मम्मी सबको बुला। अच्छा अहाँ सब जे छै से खाना चूल्हा पर बनबै छियै? गैस नहीं छै? भराई नहीं छै? मास्टर साहब के नहीं कहै छियै जे अहाँ गैस भरवा के लाओ हम चूल्हा पे न बनब खाना की कहै छथिन मास्टर साहब? जरना पर चलै छै? खाना जे अहाँ सब बनबै छियै तो कि चावल के साफ करै छियै कि ओहने ते चावल के धो दै छियै? चावल के साफ करै छियै लेकिन बच्चा सब तो आरोप लगा रहल है जे कीड़ा निकलै छै खाना में। लेकिन अपना घर में जे खाना बनबै छियै तो कतेक फ्रेश क के छाँटि के अथी क के खाना बनबै छियै से कहू? अब एहिठाम जे छै से अहाँ सब सब दिन तोरा सब के कीड़ा निकलै छौ? देखिए ये छोटा बच्चा है ये झूठ नहीं बोल सकता और ना ही इसको सिखाया गया समझे ये छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। तो आज के बाद से आप लोग चावल साफ करके फ्रेश खाना बनाइएगा फ्रेश बनते ना कोनो शिकायत ना ना रहते और मास्टर साहब जी से हम आग्रह करवान कि लकड़ी के बदला सिलेंडर दियो यही के धुआं सा जे छै से बच्चा सब के सेहो तक। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज सहनी। सूरज सहनी प्रभारी प्रधानाध्यापक तबनीक मध्य विद्यालय परिवार। सर यहाँ के जो बच्चे यहाँ पर जो आपके स्कूल में जो पढ़ते हैं उनकी समस्या है कि खाना बरोबर नहीं मिल पाता है खाना में कीड़ा वगैरह रहता है इसलिए बच्चे लोग यहाँ खाना नहीं खा के अपने घर जाते हैं खाना खाने। खाना तो साफ सुथरा से बनाया जाता है हो सकता है कि धोखा से भूल चूक से अरवा चावल है कभी कभार अपने घर में भी ऐसा होता है जी तो उसका ध्यान रखना। हाँ वो साफ बराबर रसोईया से संपर्क करते हैं जी जी रसोईया का काम है कि चावल को साफ सफाई करे उसके बाद में खाना बने है ना सर। और सर यहाँ के बच्चे भी आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आज तक ड्रेस ही नहीं मिला जब से वो पढ़ रहे हैं तब से आज तक कोई नहीं। अभिभावक के बैठक चल रहा था उसमें ड्रेस पर ही चर्चा हुआ सब लोगों को खाता में पैसा जा रहा है अभिभावक कुछ है जो खरीद के देता है कुछ नहीं देता है पैसा तो खाता पर जाता ही नहीं जी जी। पहले हम लोग हाथ से बांटते थे तो कहते थे जो खरीदना अनिवार्य था लेकिन यहाँ अभिभावक खाता में पैसे जा रहा है खाता में पैसे जा रहा है। तो आखिर क्या समस्या है कि मतलब ये बच्चे सबको अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं बहुत सारा बच्चा पहन कर आता है जी बहुत गंदा करने का बहाना करके यही सब समस्या पैसा सब खाता में जा रहा है पैसा जा रहा है जिसका हम जो हम अकाउंट नंबर दिया जी ऑनलाइन सिस्टम भुगतान करता है जी जी डीबीटी के माध्यम से।
तो क्या ये समस्या जो बता रहे हैं उसका समाधान आप कीजिए? समाधान के लिए हम ऑनलाइन टीवी नया खाता ले लेके कर रहे हैं। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? छह, ऐसे हाई स्कूल लगा के 8 आदमी। हाई स्कूल लगा के 8। अभी प्रेजेंट आज कितने शिक्षक? प्रेजेंट 8 हैं। नहीं, वहाँ पे बोल रहे थे कि कुछ शिक्षक जो है वो नहीं आए। नहीं नहीं है ही, मीटिंग में थे जिसके कारण नहीं बता लगा होगा। अच्छा अच्छा, नहीं बताया। सब लोग हैं? सब लोग हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपको दिखाया कि सरकारी स्कूल में किस तरह के घटिया क्वालिटी का खाना बच्चों को खिलाया जाता है, और अधिकतर बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि खाना में कीड़ा निकल रहा है, पिल्लू निकल रहा है, इसलिए स्कूल में खाना नहीं खाते हैं और खाना स्कूल का खाना छोड़कर अपने घर खाना खाने जाते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।